दूसरा देखिए, दूसरा पद यहाँ पे जो सखी है नायिका की, वो नायिका को उपदेश देते हुए कहती है कि हे सखी, तुम्हारा आचरण निंदनीय हो जाएगा, तुमको सबको ही जो है क्या कहेगा तुम्हारे विषय में। तो यहाँ पे नायिका अपने सखी से कहती है, क्या कहती है, जिए पे जो होए अधिकार तू विचार कीजे, लोक लाज भल पुर भल निर्धारिए, नैन सोन कर पद सब पर बस भय, उत चली जात ही है कैसे के संभारिए, हरिचंद भई सब भात सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए, मन में रहे जुदा जीजिए विसारी मन, आप बस जानता ही कैसे के निवारिए विसारिए। देखिए इस पद को याद रखिए, यहाँ पे जो है नायिका अपनी सखी से कह रही है, जीए पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए, हे सखी यदि मेरा स्वयं पे अधिकार हो, मुझ पे स्वयं पे अगर मेरा स्वयं पे अधिकार हो तब तो कुछ विचार किया जाए। यहाँ तो हाल ऐसा है कि स्वयं पे मेरा कोई अधिकार है ही नहीं, मेरा मुझ पे अधिकार तो किसी और का है। आगे क्या कहती है, लोक लाज भलो गुरु सब निर्धारिए, क्या कहती है, लोक लज्जा भला बुरा तो तब देखा जाए जब स्वयं का स्वयं पे कोई एक अधिकार हो, जब हमारा हम पे कोई अधिकार ही नहीं तो ये सब बातों को हम कैसे ले सकते हैं, सब कैसे सोच सकते हैं। आगे क्या कहती है, नैन सोन कर पद सब पर बस भय, नैन माने नेत्र, श्रोण माने कान, और कर माने हाथ, पद माने पैर, अर्थात ना आंखें कान हाथ पैर सब तो पर बस भय दूसरे के अधीन हो गए हैं। आगे उठे चल ही जाते इन्हें कैसे कर संभारिए, ये तो उधर ही चले जा रहे हैं जिधर मेरे प्रीतम गए हैं, इनको भला हम कैसे क्या संभाल सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और कहती है, हरिचंद भाई सब भात सो पराई हम, और क्या कहती है, हमारा स्वयं का हम पे कोई अधिकार नहीं, हम तो हर प्रकार से पराई हो चुकी है, दूसरे की हो चुकी है, हमारा हम पे कोई अधिकार नहीं है। और कह रही है, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए, और हमको तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहा है, आप हमको ये सब कैसे भूल सकते हैं, हमको हमसे बुलाया नहीं जा सकता है। और क्या है, अगर मन में रहे चुपता ही दीजिए विसारी मन, आप बस जानता ये कैसे के विसारिए। और क्या कहती है, मन में रहे चुपता ही दीजिए विसार, अगर मन में मेरा हो तो उसको उसी को बुलाया जा सके, मगर मेरा मन तो किसी और पे है, मेरा मन तो कहीं और रखा हुआ है, उसको भला कैसे बुलाया जा सकता, ये संभव ही नहीं है, इसको कैसे क्या बुलाया जाए, मेरा मन तो दूसरे के अधीन हो चुका है, मेरा मन स्वयं के अधीन नहीं है, अगर मेरे मन में कुछ हो तो उसको बुलाया जा सकता है, मगर मेरा मन तो किसी और के ऊपर निर्भर है, उसको हम कैसे क्या बुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका ये मैंने दो पद पढ़ाए हैं, पहला दूसरा को ध्यान से पढ़ें, इनको याद करें, बाकी जो बचे हुए दो पद हैं वो दूसरे दिन पढ़ाए जाएंगे आपको। धन्यवाद।